250 जो पल्सर का लास्ट लॉन्च किया हुआ है 250cc का, और ये है NS200। तो दोनों मिलकर देख सकते हैं 200 का रिफ्रेश एडिशन है इसका, 2022 एडिशन भी लॉन्च है जिसमें आपको हुई लेगा इन बैग आपको ब्लैक कर दिया गया है। तो दोनों बाइक में आप अगर कंफ्यूज है कि 250cc का लेना चाहिए या 200 का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली NS200 के साथ जाइए, क्योंकि NS250 के ऊपर ये आपको एक बहुत अच्छा चॉइस है। क्योंकि ये M250 जो है इसमें आपको चेंजेस LED हेडलैम्प जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प सब मिल भी जाता है, मगर इसमें क्या होता है इसमें आपको वो आपको अभी भी 5-speed gearbox मिल जाता है, और उसमें आपको NS जो है ना उसका पावर डिलीवरी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको फिर 6-speed गियर ट्रांसमिशन का भी एडवांटेज आपको मिल जाता है इस बाइक में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली जो है NS200 के साथ जा सकते हो, पर मुझे इसका जो N250 इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन किया हुआ है और इसका हैंडल बार का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक किया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड है जो पल्सर का हर एक बाइक में आता है जीपॉन हैंडल बार के साथ जो N सीरीज का जो है। फिर भी इसके हैलोजन हेडलाइट मिलता है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप NS200 के साथ जाइए। आप अगर कन्फ्यूज है कि N250 या NS200 दोनों के अंदर, तो दोनों में अगर आप कन्फ्यूज है तो आप डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हैं।